नमस्कार, कैबिनेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। राठ के विवाह घर में शादी के दौरान हुई चोरी, ज्वेलरी, मोबाइल, नकदी सहित लाखों का माल किया साफ, मचा हड़कंप। पूरी घटना कोतवाली कस्बा राठ के चौपरा रोड स्थित उत्सव पैलेस में गुप्ता परिवार की शादी में घटना हुई है। हमीरपुर जनपद के जलालपुर निवासी ओम बाबू गुप्ता की पुत्री आरती की शादी कस्बा राठ के चौबट्टन निवासी देवेंद्र पुत्र महेंद्र गुप्ता के साथ हो रही थी। परिजनों ने बताया कि शादी में लगभग 10:30 बजे जयमाला कार्यक्रम के दौरान एक लगभग 20 वर्षीय अज्ञात पुरुष ने महिलाओं के कमरे में रखे बैगों से ज्वेलरी, नकदी, मोबाइल सहित लाखों रुपए के माल को चोरी कर लिया। उन्होंने पैलेस प्रबंधक की लापरवाही को भी इसमें जिम्मेदार माना। बताया गया कि जिस कमरे में चोरी हुई उस कमरे के बाथरूम के दरवाजे में कुंडी नहीं थी एवं बाथरूम की दीवार की ऊंचाई भी कम है, जिससे दूसरे कमरे में आसानी से जाया जा सकता है, जिस बात को पैलेस प्रबंधक ने नहीं बताया था। शादी के दौरान हुई बड़ी चोरी से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल परिजनों ने मामले की तहरीर कोतवाली राठ में दे दी है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केवी न्यूज इंडिया से राम। और लगभग कितने का सामान चोरी हो गया? लगभग 7 जेवर था, तकरीबन 7 लाख के आसपास, और 2 फोन थे उसमें, और कुछ सामान अलग से था। तकरीबन जेवर अलग था, लाख खांड का वो अलग था जेवर, और कुछ नकदी था 90,000। टोटल कितना हो गया होगा? तो 9, 7, 8 तकरीबन सारे सब मिला के 10 लाख के आसपास का था। अच्छा, क्या हुआ? पुलिस में तहरीर दी कोतवाली? पुलिस में हम लोगों ने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, 100 नंबर वाले आए, उस मैनेजर को ले गए। ले जाने के बाद फिर इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने सब सामान वामान लिखवाया और CCTV कैमरे चेक किए। चेक करने के बाद उन्होंने सामान लिखवा के वो लोग चले गए, तहकीकात की और चले गए। अभी तक हम लोग We'll be right back.